बाद इलेक्शन के 100% नतीजे आ गए। कौमी असेंबली में पीटीआई 116 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, नून लीग का स्कोर 64 और पीपल्स पार्टी का 43, 13 आजाद और एमएम के 12 उम्मीदवार कामयाब। मुतहदा की 6 और काफली की 4 सीटें। अब की बार इमरान सरकार, तहरीक इंसाफ इख्तदार के लिए तैयार। फखर इमाम समेत 2 आजाद एमएनएस की शमूलियत से गिरफ्त मजबूत, मजीद की आमद भी मुतवक्की। बनी गाला में बैठक पर बैठक, विफाकी काबीना में शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान बहुत जल्द कौमी असम्बली का अजलास बुलाएंगे ताकि हुकूमत साजी का काम शुरू हो सके। इमरान खान इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है 14 अगस्त से पहले वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। 14 अगस्त से पहले बड़ा ओहदा मिलने की उम्मीद। विफाक के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। नई मुल्हक की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। फजल रहमान समेत शिकस्त खुर्दा मुखालफीन को सोच बदलने का पैगाम। अभी तक वो लोग जो सोच रहे हैं इस जमहूरी निज़ाम को उलट पलट करने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी इस सोच को ख़त्म करें और मेहरबानी करके वो ये जो हुकूमत बनने जा रही है इसकी राह में रोड़े ना अटकाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ। शाह महमूद कुरैशी को हराने वाले आज़ाद रहनुमा सलमान नईम से जहांगीर खान तरीन की मुलाकात और शमूलियत की दावत। फड्डा बढ़ गया, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले से क्यों मिले मुल्तान के खिलाड़ी बरहम। पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पर नजर। बिलावल को उम्मीदवार बनाने का फैसला। हमायत के लिए मुख्तलिफ जमातों से राबते। पंजाब में नून लीग का साथ देने से साफ इनकार। पंजाब में 10 साल के बाद तब्दीली के लिए दौड़ धूप। नून लीग की 129 और तहरीक इंसाफ की 123 नशिस्तें, 4 आजाद अरकान की शमूलियत, काफली के भी 7 अरकान, 149 लकी नंबर। गेम में आजाद उम्मीदवार हॉट केक। पंजाब में वजीर आला की मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई अरकान की बड़ी तादाद भी बड़ा ओहदा देने की हामी। पीपल्स पार्टी 76 नशिस्तों के साथ सिंध की सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात। तहरीक इंसाफ का 23 सीटों के साथ दूसरा नंबर, मुतहदा के 16 और जीडीए के 11 उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्ले की बल्ले बल्ले, 66 नशिस्तों के साथ भारी अक्सरियत। एमएम में सिर्फ 10 सीटें लेने में कामयाब। बलूचिस्तान में बाप 15 अरकान के साथ सबसे आगे, मखलूक हुकूमत बनने का इम्कान। हारने वालों ने हार ना मानी। सादर फीक, अलीम खान, आबिद शेर अली, अली मूसा गिलानी और कादिर पटेल के हलकों में रीकाउंटिंग। N126 लाहौर में हमाद अजहर की कामयाबी बरकरार। दोबारा गिनती के लिए शायद खकान अब्बासी समेत कई की दरखास्तें मुस्तरद। खवातीन के 10% वोटों की शर्त पूरी ना हो सकी। NA10 शांगला और NA48 शुमाली वजीरिस्तान में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। बरवक्त और शफाफ इलेक्शन पर कौम को मुबारकबाद। अवाम के फैसले के मुताबिक विफाक और सूबों में हुकूमतें बनाने का अमल शुरू हो चुका है। निगरान वजीर तलात अली जफर का पैगाम। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने पैकिंग शुरू कर दी। इस्तीफा जल्द सदर मुमलिकत को भिजवाने का फैसला। लियारी में तहरीक इंसाफ की फतह पर फायरिंग, पुलिस एहलकार अदनान की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर हुकाम खामोश। कई शोबों में बेहतरी के लिए कोशिश की, शायद वो सब कुछ नहीं कर सका जो करना चाहता था। अदालती निजाम में इस्लाहात बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस के इनकलाबी इकदामात ने डैम्स मुहिम में जान डाल दी। बहरिया टाउन इंतजामिया का 4,26,00,000 रुपए का दिया।
पत्थर में जेल हुक्काम की बेहिसी, जावाहक कैदी की कई घंटे तक हथकड़ियां उतारी ना जा सकी, मैयत की तजलील, एहतजाज के बाद लाश वरसा के हवाले। तहरीक इंसाफ शहर इक्तदा पर आज के लिए तैयार है। खानेवाल से मुंतखब फखर इमाम खिलाड़ी बन गए और दीगर आजाद अराकीन से राबते भी जारी है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायदे हिजब इख्तलाफ की कुर्सी पर नजरें जमाली हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उन्हें अब कायदे हिजब इख्तलाफ के इस ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम पूरी कर रही है। फखर इमाम जो खानेवाल से मुंतखब हुए वो अब खिलाड़ी बन गए हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान हैं वो अपने राबते आज़ाद अरकान से बढ़ा रहे हैं ताकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा सके। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ का ओहदा हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज किया है और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नामजद करने का फैसला किया गया है। तब्दीली के रास्ते पर अगला कदम, तहरीक इंसाफ पहली बार विफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। इंतखाबी इनिंग्स में 116 का स्कोर करने वाले खिलाड़ियों ने हिंसा आगे बढ़ा लिया, फखर इमाम को भी साथ मिला लिया। खानेवाल से आजाद जीतने वाले रुकन ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान इमरान खान से मुलाकात में किया। इससे पहले मानसहरा से आजाद रुकन सोले मोहम्मद भी कप्तान का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी जानिब 43 सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ की कुर्सी पर नजरें जमा ली। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। हिमायत हासिल करने के लिए दीगर जमातों से राबते भी शुरू कर दिए गए। और पंजाब पर हुक्मरानी के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गया, हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम्स जारी है। चार आजाद अरकान ने बनीगाला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जबकि वजारत आला के लिए खिलाड़ी दौड़ में शामिल हैं और लाहौर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। नून लीग की आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें दम तोड़ती दिखाई देने लगी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 साल के बाद पंजाब में तब्दीली चाहती है और पंजाब में वजारत आला का ओहदा हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। पंजाब में नून की हुक्मरानी खत्म करने के लिए जुनून मैदान में, तख्ते पंजाब पर कब्जे के लिए जोड़ तोड़ की लग गई दौड़। आजाद कामयाब अराकीन ने पीटीआई की जानिब झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। कुछ अराकीन ने बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात की और अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। खानेवाल से हुसैन जहानिया गर्देजी, डीजी खान से हनीफ पताफी, लैया से ताहिर रंधावा और रफाकत गिलानी शामिल है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर ने राबते तेज कर दिए। चौधरी परवेज राही ने आजाद उम्मीदवारों के ग्रुप को साथ मिलाने का दावा किया। आजाद अरकीन पंजाब असम्बली फरमाइशें भी करने लगे और उन्होंने दोनों जमातों से वजारत का मुतालबा कर डाला। आजाद अरकीन की बनीगाला की जाने पेश कदमी देखकर नून लीग की कयादत की कोशिशें मांद पड़ती जा रही हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से मिलकर पंजाब हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। हुकूमत साजी की भाग दौड़ के साथ वजारत आला के लिए भी पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के तख्त पर बैठने के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गईं। उन्हें पार्टी के अरकान की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल है। सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाई जा रही है।
पंजाब में नून की हुक्मरानी खत्म करने के लिए जुनून मैदान में, तख्ते पंजाब पर कब्जे के लिए जोड़ तोड़ की लग गई दौड़। आजाद कामयाब अराकीन ने पीटीआई की जानिब झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। कुछ अराकीन ने बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात की और अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। खानेवाल से हुसैन जहानिया गर्देजी, डी जी खान से हनीफ पताफी, लैया से ताहिर रंधावा और रफाकत गिलानी शामिल हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर ने राबते तेज कर दिए। चौधरी परवेज राही ने आजाद उम्मीदवारों के ग्रुप को साथ मिलाने का दावा किया। आजाद अराकीन पंजाब असेंबली फरमाइशें भी करने लगे और उन्होंने दोनों जमातों से वजारत का मुतालबा कर डाला। आजाद अराकीन की बनीगाला की जानिब पेश कदमी देखकर नून लीग की क्यादत की कोशिशें मांद पड़ती जा रही हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से मिलकर पंजाब हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। हुकूमत साजी की भाग दौड़ के साथ वजारत आला के लिए भी पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के तख्त पर बैठने के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गईं। उन्हें पार्टी के अरकान की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल है। सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाई जा रही है।